नमस्ते, क्या हाल चाल, कैसे, स्वागत। थोड़ा एसी भी चला देता हूँ मैं। और बताइए कैसे हैं, कहाँ से देख रहे हैं वीडियो। आप ही से पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और लोकेशन लिखना, हमको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। कीवी ऐप पर आपका स्वागत है, अगर ऐप पर देख रहे हैं तो, और अगर ऐप पर नहीं देख रहे हैं तो क्यों नहीं डाउनलोड किया अब तक हमारा ऐप। कीवी ऐप एकमात्र ऐसा ऐप है पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पर नॉलेज और पैसा दोनों आपको मिलता है, वो भी फ्री में क्विज खेलकर। आईपीएल खत्म होने के बाद भी लगातार क्विज चल रहे हैं यहाँ पर, रात को भी खेलते हो आप। और कभी कभी हमने सोचा दिन में भी प्लान करेंगे। इस ऐप पे बहुत नई नई चीज़ें आने वाली हैं, इसलिए जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, कीवी ऐप का लिंक दिया। अगर आप यूट्यूब या फेसबुक पे देख रहे हैं तो कीवी ऐप को उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करिए, या फिर www.kiwi.co.in, बड़ा सिंपल सा वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर ऐप को डाउनलोड जल्दी से करिए। और हर रात हम आपके लिए फ्री क्विज लाते हैं, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है और पॉकेट में भी पैसे आ जाते हैं। आपको 10 सवालों के जवाब देने होते हैं, सही जवाब देने होते हैं, ऑप्शन दो ही मिलते हैं, यस या नो में जवाब देना होता है, और 10 सेकंड मिलता है हर सवाल का जवाब देने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप ऐप पर आगे होंगे, वरना कल आ जाइएगा और आगे भी हम लोग क्विज खेलते रहेंगे। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, घर में सबके फोन में करवा दो यार डाउनलोड। जब फ्री में ऐप डाउनलोड करना और फ्री में क्विज खेलना है तो वेट क्या का, ऐप को डाउनलोड करो और क्विज की तरफ बढ़ो। आज के क्विज का नमस्ते दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अमित मिश्रा हैज 3 हैट्रिक्स इन आईपीएल। अमित मिश्रा के पास आईपीएल में 3 हैट्रिक है, हाँ या ना। मिश्रा जी का लड़का कितनों पे भड़का, कोहली पे तो भड़के ही थे इस बार, हाँ या ना, यस या नो, 10 सेकेंड्स ओवर। जवाब है यस, अमित मिश्रा आईपीएल के इतिहास में एक लौते ऐसे बॉलर जिन्होंने 3 बार हैट्रिक हासिल की है। मुरलीधरन, शेन वॉन, कुंबले जैसे बॉलर्स जो एक बार भी नहीं, ये मौका उनके पास आया, मिश्रा जी वो मौका 3-3 बार लूट चुके हैं। 2008, 2011 और 2013 में हैट्रिक लिए हैं। जिनके खिलाफ मिश्रा जी ने हैट्रिक लिए वो डेक्कन चार्जर्स 2008, पंजाब 2011 और पुणे वॉरियर्स 2013। कैसा लगा ये जवाब मेरा, कमेंट करके बताइएगा। मजा आ रहा है आपको, नहीं आ रहा। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चेन्नई वॉज नंबर 1 इन 2008 आईपीएल पॉइंट्स टेबल, पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 थी क्या। हो गया ना, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 पे आए आप, यही मेरी कामना है। आंसर है नो। सीजन 2008 में राजस्थान ने 22 पॉइंट्स के साथ टेबल टॉप किया था, दूसरे नंबर पर 20 पॉइंट के साथ पंजाब थी, तीसरे पर 16 पॉइंट के साथ चेन्नई और चौथे नंबर पर 15 पॉइंट के साथ दिल्ली की टीम थी। तो जवाब नो था। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वॉटसन वॉज द मैन ऑफ द मैच इन 2008 फाइनल। 2008 के फाइनल में वॉटसन भैया मैन ऑफ द मैच थे, हाँ या ना। बहुत वैल्यू फॉर मनी प्लेयर थे यार, बढ़िया खेलते थे। बीच में थोड़ा डाउन हुआ था लेकिन कोई बात नहीं, आई थिंक 10 सेकंड वाला टाइमर भी डाउन हो गया होगा, है दादा, सेट है, शुरू करें। जवाब है नो, मैन ऑफ द मैच बने थे उस फाइनल में यूसुफ पठान, 39 में 56 रन बनाए थे उन्होंने राजस्थान के लिए खेलते हुए। शेन वॉटसन को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था। वॉटसन ने उस सीजन 17 विकेट लिए थे और 472 रन भी बनाए थे, खतरनाक खिलाड़ी। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। CSK डिफीटेड KKR इन 2021 फाइनल। कोलकाता को 2021 के फाइनल में हराया था क्या चेन्नई ने, कैसे भूल सकते हो भैया, धोनी भैया की वापसी, आया ना, यस और नो, 10 सेकंड। कहाँ से वीडियो देख रहे हो या टीवी पे खेल रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और हमारा कोई पार्ट अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट लेके हमको इंस्टा पे भी जरूर शेयर करना। जवाब है यस, चेन्नई ने कोलकाता को 2021 के फाइनल में 27 रन से हराया था। चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए 192 रन बनाए, जिसके जवाब में KKR सिर्फ 165 ही बना पाई। ये चेन्नई के आईपीएल में चौथा टाइटल था, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। गायकवाड ने, ऋतुराज गायकवाड ने 2021 में ऑरेंज कैप जीता था, है ना। गायकवाड भैया के बारे में पहले कमेंट दे चुके हैं धोनी भैया, लेकिन उस कमेंट को पॉजिटिवली उन्होंने लिया और क्या क्या किया, 10 सेकेंड, 2 ऑप्शन, खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। और जवाब है यस, गायकवाड ने 2021 में 635 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया था। उसके बाद इस लिस्ट में उस साल दूसरे बैटर थे फाफ डुप्लेसी। CSK के लिए डुप्लेसी ने उस साल 633 रन बनाए थे। जब बैट्समैन की लिस्ट में 2 चोटी के बल्लेबाज एक ही टीम के हों तो उस टीम के चैंपियन बनने के चांसेस तो भैया बढ़ ही जाते हैं, और यही हुआ उस साल चेन्नई के साथ, विजयी भव हुई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। VVS लक्ष्मण से जुड़ा ये सवाल है। VVS लक्ष्मण प्लेड फॉर मुंबई इंडियंस, क्या मुंबई के लिए वो खेले हैं, हाँ या ना। लक्ष्मण सर के साथ भी रौनक और बहुआ के कई सारे इंटरव्यूज हैं। VVS लक्ष्मण और RJ रौनक टाइप करेंगे ना तो आपको यूट्यूब पे वीडियो तुरंत लेके जाएगा, हैं लक्ष्मण ना। जवाब है नो, VVS लक्ष्मण आईपीएल 2008, 9 और 10 में हैदराबाद के लिए खेले। उन दिनों हैदराबाद की टीम का नाम DC डेक्कन चार्जर्स था। 2011 में लक्ष्मण ने एक साल कोची टस्कर्स के लिए भी खेला और उसके बाद उन्होंने आईपीएल से संन्यास ले लिया।
अगला सवाल देखिए, नंबर 7, युवराज प्लेट फॉर सीएसके एक सीजन में, चेन्नई के लिए खेलेंगे युवराज भाई, पाजी खेलेंगे आप? कुछ कुछ सवाल ऐसे ना जिसका जवाब सवाल सुनते ही पता चल जाता है, उसके लिए नॉलेज का नहीं, गट फील का और एक्सपीरियंस का वो होता है कि भैया है ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो इस सवाल का भी जवाब ना है। युवराज ने आईपीएल में टोटल 6 टीमों के लिए क्रिकेट खेला है, लेकिन चेन्नई की टीम में वो कभी नहीं खेले। युवराज ने आईपीएल में एज ए कैप्टन, एज एन आइकॉनिक प्लेयर डेब्यू किया पंजाब के लिए 2008 में, 2010 तक युवराज पंजाब से खेले, फिर उसके बाद 11 से 13 वो पुणे की टीम से खेले, 14 में बेंगलुरु, 15 में दिल्ली, 16 में हैदराबाद, 2018 में वापस पंजाब और 2019 में मुंबई के लिए खेलते हुए वो नजर आए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8, 2011 आईपीएल फाइनल वॉज बिटवीन सीएसके एंड मुंबई, यस और नो? 11 का आईपीएल फाइनल चेन्नई और मुंबई के बीच था या ना? सिंपल सवाल है यार, फाइनल का तो किसी को भी याद होगा, है ना? 10 सेकंड से तो ऊपर हो गया है, जवाब भी इसका ना है। 2011 आईपीएल फाइनल हुआ था चेन्नई और आरसीबी के बीच, जहां आरसीबी को चेन्नई ने 58 रन से हराया था, उस साल भी साला अपना मध्य नहीं हुआ। ये रन के मामले में आईपीएल का सबसे एक तरफा फाइनल है। चेन्नई ने पहले बैटिंग की, 205 रन बनाए, बेंगलुरु 147 ही बना पाए, ये बेंगलुरु की फाइनल में दूसरी हार थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9, क्रिस गेल वॉन ऑरेंज कैप इन 2011, गेल को 2011 के सीजन में ऑरेंज कैप मिला था, आया ना? यूनिवर्स बॉस जितना कड़क मारते थे उतना ही पार्टी वार्टी भी स्टाइलिश, कैसे लगता आपको क्रिस गेल, कमेंट करके बताओ ना। और जो लोग कमेंट में यस या नो लिख रहे हैं, काय को किवी ऐप पे आपको यस या नो का बटन दिया है, ऐप डाउनलोड तो करो, परेशान हो गए हम 2.5 साल से, करते क्यों नहीं? तो डाउनलोड करके वहां पर आपको यस या नो में आंसर देकर कुछ ही सेकंड में 1000 रुपये जीतने का मौका मिलेगा। और जो सवाल मैंने आपको पूछा तो उसका जवाब है यस, क्रिस गेल ने आईपीएल 2011 में सबसे ज्यादा 608 रन बनाए, और गेल के बाद दूसरे नंबर पर थे 557 रन बनाने वाले विराट कोहली, तीसरे नंबर पर थे 553 रन के साथ क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। अगला और आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर, मुनाफ पटेल प्लेड फॉर राजस्थान इन 2008, बड़ा वैसा सा सवाल है कि मेरे को नहीं पता कितने लोगों को इसका जवाब पता होगा, बट तुक्के में आप एक पे क्लिक कर दो, देखते हैं आप उन टॉप 3 लोगों में से आते हो जिनको आज कंप्यूटर जी जितवाते हैं या नहीं। और कीवी ऐप के बारे में आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों और परिवार वालों को बताइए, क्योंकि फ्री का ऐप है और फ्री का क्विज खेलकर आप इस पे डेली 1000 रुपये जीत सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकेंड्स में, तो ऐप तो सबके फ़ोन में होना चाहिए, ठीक है? मुनाफ पटेल ने जवाब है यस, मुनाफ पटेल ने आईपीएल में अपना डेब्यू राजस्थान के लिए ही किया, साल 2008 यानी सीजन 1 में मुनाफ ने 14 विकेट लेकर राजस्थान को चैंपियन बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया। मुनाफ ने आईपीएल करियर में 63 मैच खेले, 74 विकेट अपने नाम किए, तालियां उनके लिए भी बजती रहनी चाहिए और आप लोगों के लिए भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू। हमें इंस्टा पे, टेलीग्राम पे और ट्विटर पे जरूर फॉलो करिएगा, और क्या चीज़ अच्छी लगती है कीवी के बारे में, कौन सी चीज़ और बेटर हो सकती है उसके बारे में सजेशन देने के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन में हमारा ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है, या फिर बेस्ट है इंस्टा पे बताओ। और अगर जीत गए तो अपनी एक बढ़िया सी वीडियो बनाकर हमें बताओ कि भैया आपको खेल कर कितना मज़ा आया। बाकी और भी लोगों से बोलिएगा कीवी ऐप डाउनलोड करें, और जो लोग यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं डाउनलोड कर लो, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, फ्री में क्विज खिलाते हैं और कुछ ही सेकंड में 1000 रुपये आपको जिताते हैं। तो आज के विनर्स कौन है? 3 लोग जिनका नाम कंप्यूटर जी थोड़े टाइम में बताएंगे जैसे हम स्क्रीन से जाएंगे। आप हमसे कल मिलने फिर से आएंगे ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। मज़ा आया भाई।